तो गाइस यार आज जो गेम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको खेलने के बाद में आप लोगों को काफी ज्यादा डर लगेगा। जब रात के ठीक 2 बजे आपके किचन में ग्लास गिर जाए तो फिर समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इन गेम्स को खेलने के बाद में आप लोग की काफी ज्यादा फट जाएगी एंड आप लोग रात में उठकर टॉयलेट करने नहीं जाओगे। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हॉरर गेम्स। आप लोगों को डर थोड़ा कम लगे इसलिए ये सभी गेम्स मल्टीप्लेयर होंगे एंड अगर आप लोगों को फिर भी डर लगता है तो फिर आप तो फट्टू हो। मजाक की बात साइड में, अगर आप लोग को फिर भी डर लगता है तो सभी गेम्स के अंदर आप लोग को वॉइस चैट का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वाली वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है एंड टाइम आ चुका है एक मस्त वाले क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को हॉरर गेम्स एंड हॉरर मूवीज पसंद है या फिर नहीं। ऑप्शन ए होगा यस, ऑप्शन बी होगा नो। जल्दी से जाओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना एंड अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो मेरे को तो यही लगेगा कि आप लोग की भूतों से फटती है। तो गाइस ये हम लोग यहाँ पर अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज के गेम नंबर 1 से। गेम का नाम है मिमिक्री ऑनलाइन हॉरर एक्शन, डाउनलोडिंग साइज होगा 152 MB एंड ये वाला गेम पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। तो ये वाला गेम एक मल्टीप्लेयर गेम भी है एंड इसके अंदर आप लोग को रियल टाइम वॉइस चैट का फीचर भी देखने को मिलता है। इस वाले गेम में आप लोग को घोस्ट तो नहीं बट मॉन्स्टर देखने को मिलेगा, बट इतना समझ जाओ कि ये मॉन्स्टर किसी घोस्ट से कम नहीं होने वाला। इस वाले गेम में फाइट होती है मॉन्स्टर वर्सेस ह्यूमन स्क्वाड के बीच में। मॉन्स्टर आप लोग की स्क्वाड को ढूंढ ढूंढ के खत्म कर देगा इसलिए आप लोग को जल्दी से एक वेपन ढूंढना होगा एंड जब आपके सामने वो मॉन्स्टर आता है तो आप लोग उसे इजिली खत्म कर सकते हो। इस वाले गेम में आप लोग को मेल एंड फीमेल के कई सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे एंड सभी कैरेक्टर का फेस आप लोग को थोड़ा बहुत स्कैरी टाइप ही देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आप लोग अपने कैरेक्टर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। इस वाले गेम के प्ले स्टोर के ऊपर 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है एंड इसको 4.4 की रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 5 में से। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हॉरर गेम्स को खेलते वक्त हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करो, आप लोग को एकदम बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी सीरीज में आगे एंड अब मैं आप लोग को बताता हूँ हॉरर मल्टीप्लेयर सीरीज का गेम नंबर 2। गेम का नाम है द घोस्ट सर्वाइवल हॉरर, डाउनलोडिंग साइज होगा 401 MB एंड ये वाला गेम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। इस वाले गेम में भी आप लोग को मल्टीप्लेयर और वॉइस चैट का फीचर देखने को मिल जाएगा। ये एक सिंगल प्लेयर एक्शन सर्वाइवल हॉरर गेम है। इस वाले गेम को आप लोग 5 बंदे एक साथ मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। अगर आप इस वाले गेम में एज अ सर्वाइवर खेलते हो तो फिर आप लोग को इस वाली जगह से एस्केप करना होता है एंड अगर आप लोग एज अ घोस्ट इस वाले गेम को प्ले करते हो तो आप लोग को सर्वाइवर्स को एस्केप करने से रोकना होता है। इस वाले गेम में आप लोग को 2 स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। पहली स्टोरी है न्यू विजलाई हॉस्पिटल की एंड दूसरी स्टोरी होगी हाई स्कूल की। ये दोनों ही स्टोरी काफी ज्यादा मस्त है एंड ये वाला गेम आप लोग को काफी पसंद आएगा एंड ये वाला जो गेम है वो काफी बढ़िया सर्वाइवल हॉरर गेम है। आप लोग इस वाले गेम को जरूर से चेकआउट करना, आपको ये गेम डेफिनेटली पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी सीरीज में आगे एंड अब मैं आप लोग बताता हूँ हॉरर मल्टीप्लेयर सीरीज का गेम नंबर 3। गेम का नाम है सिली रॉयल, डाउनलोडिंग साइज होगा 96 MB एंड ये वाला गेम भी पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। इस वाले गेम में भी आप लोग को मल्टीप्लेयर एंड वॉइस चैट का फीचर देखने को मिलता है बट इस वाले गेम में आप लोग को कुछ हॉरर जैसा देखने को नहीं मिलेगा बट इम्पोस्टर का जो फेस है वो थोड़ा सा स्कैरी देखने को मिल जाता है। तो आप लोग को देखते ही पता चल गया होगा कि ये वाला गेम अल्टरनेटिव है अमंग अस गेम का। तो मैं पर्सनली आप लोग को बताऊं तो मेरे को ये वाला अल्टरनेटिव रियल अमंग अस से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस वाले गेम की विजुअल एंड टेक्सचर क्वालिटी आप लोग को रियल अमंग अस से काफ़ी हद तक बेटर देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसमें 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, क्रूमेट एंड इम्पोस्टर। क्रूमेट का काम होता है मिशन को कंप्लीट करना एंड इम्पोस्टर का काम होता है क्रूमेट को मिशन करने से रोकना। तो अगर आप लोग को एक ऐसा गेम चाहिए था जो कि मल्टीप्लेयर हो, उसके अंदर वॉइस चैट का फीचर भी हो एंड वो वाला गेम आपके लो एंड डिवाइस में भी चल जाए तो आप लोग इस वाले गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी सीरीज में आगे एंड अब मैं आप लोग को बताता हूँ मल्टीप्लेयर सीरीज का गेम नंबर 4। फोर्थ गेम का नाम है पॉपी प्ले टाइम, ये वाला गेम पूरी तरह से ऑफलाइन रहेगा। तो गाइस अब जो 2 लास्ट में आप लोग को गेम बताऊंगा वो वाले गेम मल्टीप्लेयर नहीं होंगे एंड उसके अंदर वॉइस चैट का फीचर भी नहीं होगा क्योंकि मुझे और ऐसे गेम्स मिले ही नहीं जो कि हॉरर भी हो, मल्टीप्लेयर भी हो एंड उसके अंदर वॉइस चैट का फीचर भी हो। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा गेम मालूम है जो कि मैंने आप लोग को नहीं बताया एंड उसके अंदर ये तीनों फीचर्स अवेलेबल है तो मुझे आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो पॉपी प्ले टाइम एक सिंगल प्लेयर हॉरर गेम है जिसके 3 चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं बट एंड्रॉइड एंड iOS के ऊपर इसके 2 ही चैप्टर अवेलेबल है। चैप्टर 1 का डाउनलोडिंग साइज होगा 549 MB एंड चैप्टर 2 का डाउनलोडिंग साइज होने वाला है ऑलमोस्ट 1 GB।
पॉपी प्ले टाइम के दोनों ही चैप्टर काफी ज्यादा मस्त है। मैंने ऑलरेडी इन दोनों चैप्टर को खेल लिया है। फर्स्ट चैप्टर की रेटिंग है 4.7 out of 5 में से एंड दूसरे चैप्टर की रेटिंग है 4.8 out of 5 में से। दोनों ही चैप्टर की रेटिंग काफी ज्यादा मस्त है एंड गेम भी आप लोगों को काफी पसंद आएगा, तो आप लोग इन वाले गेम्स को जरूर से चेकआउट करना। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी सीरीज के फिफ्थ एंड लास्ट हॉरर गेम पे। गेम का नाम है डेडली नाइटमेयर। ये वाला गेम भी पूरी तरह से ऑफलाइन रहेगा एंड इसका डाउनलोड साइज होने वाला है 227 MB। तो ये एक सिंगल प्लेयर हॉरर सर्वाइवल गेम है। इस वाले गेम में कहानी दिखाई गई है एक ऐसे बच्चे की जो कि अपने ही घर में पूरी तरह से कैद हो चुका है। अचानक एक दिन इस लड़के की दादी इस घर में मर जाती है एंड जाते जाते वो एक लेटर लिख के जाती है जिसमें वो बताती है कि मैं एक काले साये की वजह से मरी हूँ। इस वाले गेम की स्टोरी लाइन काफी मस्त है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्राफिक्स भी आप लोग को यहाँ पर ठीक ठाक ही देखने को मिलती है। इस वाले गेम को आप लोग एक बार हेडफोन्स लगाकर जरूर से चेकआउट करना, आपको ये वाला गेम पक्का है पसंद आएगा ही। तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोग को पांचों के पांच हॉरर गेम बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही ऑसम कंटेंट लाता रहता हूं। तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग इन गेम्स को एंजॉय करो। मैं आपसे किसी ऐसे अमेजिंग वीडियो में दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय।